हेलो एवरीवन, मैं विनव आपका फिर से स्वागत करता हूँ एग्जाम स्टडी पे। तो हमने NVS एग्जाम का एक रिव्यू किया था, उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर TGT PGT का तो हो गया है, पर एक मिसलेनियस के लिए एक आया था जिसमें आर्ट और म्यूजिक और PET के टीचरों की भर्ती होनी थी, तो उसका एग्जाम कब होगा। तो NVS की ऑफिशियल वेबसाइट जो थी वहाँ पे एक नया नोटिस आया है, तो मैं आज को उसके बारे में सारा बताऊंगा। और जो भी मिसलेनियस पोस्ट से रिलेटेड होगी मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। आपको हेल्पफुल बहुत होने वाला है ये वीडियो, आप इसे लास्ट तक देखिएगा। वही है ना कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है, पर ये जॉब बहुत ही अच्छी है और आपको इस बार ये जॉब मिल के रहेगी। तो बस आप देखिएगा वीडियो और अपने उस हिसाब से तैयारी करिएगा। तो देखिए जो नोटिफिकेशन आया मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपको साइड में दिख रहा होगा, देखिए नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सताय संतान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सारा उनका एड्रेस लिखा है। और ये जो हमारा आया है ये 20/09/2019 को आया है, तो ये मतलब लेटेस्ट ही आया, 22 है। मैं वीडियो थोड़ा बाद में आ रहा क्योंकि मुझे कल मिला था और मैं नहीं बना पाया था। तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है, नोटिस शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर आर्ट म्यूजिक PET मेल एंड PET फीमेल एंड लाइब्रेरियन। तो देखिए TGT PT मोस्ट ऑफ द के लिए हो गए थे, पर जो हमारा था आर्ट का हो गया, म्यूजिक का हो गया और लाइब्रेरियन का हो गया, और PET मेल और PET फीमेल इनके एग्जाम नहीं हुए थे, तो उस रिलेटेड इन्होंने पोस्ट नोटिस जारी किया है। तो उन्होंने देखिए क्या लिखा है, इन कॉन्टिन्यूएशन टू द ऑफिस नोटिस ऑफ इवेंट नंबर, वही सारी चीज़ें हैं जो इनका आया था नोटिस उसके विषय में, डेटेड 2/9/2019 द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स आर्ट म्यूजिक PET मेल PET फीमेल लाइब्रेरियन इज एज अंडर। तो उन्होंने सारी बातें बताई। देखिए जो लाइब्रेरियन का था वो हमारा 3 अक्टूबर को होगा, हमारा आर्ट्स का था वो 3 अक्टूबर को ही होगा, म्यूजिक का भी 3 अक्टूबर को, PET मेल एंड PET फीमेल जो भी होगा हमारा 3 अक्टूबर को। यानी सारी जितनी मिसलेनियस पोस्ट के लिए हमारी थी, मिसलेनियस पोस्ट की जितनी भी हमारे टीचर्स की भर्ती थी, तो उनके एग्जाम होगा हमारा 3 अक्टूबर को। और इन्होंने शिफ्ट भी दे रखी है, मॉर्निंग शिफ्ट आपको पता होगा कि 7 बजे ही बुलाते हैं और 9:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, हाँ, और 9:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा, दैट्स मीन आपको 8:30 तक गेट हमारा क्लोज हो जाएगा, आपको हर हाल में वहाँ पहुँचना होगा। देखिए उन्होंने और भी लिखा है, उन्होंने ये दिया है कि जिसका भी एडमिट कार्ड या किसी भी रिलेटेड कोई भी किसी को दिक्कत है तो क्या करना है। देखिए एडमिट कार्ड आर बीइंग मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग शॉर्टली इन द NVS वेबसाइट, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in एंड www.nvsrect2019.org। तो कोई भी आपको दिक्कत है तो ये दोनों वेबसाइट, ये ऑफिशियल हैं, आप किसी फेक वेबसाइट पे मत जाइएगा, वहां आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। ओनली ई एडमिट कार्ड लिंक विल बी सेंड एट योर रजिस्टर्ड ईमेल IDs ऑफ कैंडिडेट। तो और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, नो सेपरेट एडमिट कार्ड शैल बी इशूड थ्रू पोस्ट। देखिए उन्होंने ये बताया है कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल होगी, आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपकी एक मेल मांगी गई होगी, वो आपकी रजिस्टर्ड मेल होती है, उस पर ही उन्होंने एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक होगा और आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस पर आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपका पासवर्ड आया होगा, वो दोनों चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप लोग जाके ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अगर किसी को भी बाई चांस नहीं याद है तो आप जाइएगा अपनी मेल पर, वहाँ पर सर्च बार में टाइप करिएगा NVS एग्जाम, तो NVS एग्जाम से जितनी भी रिलेटेड हमारी ईमेल आईडी, ईमेल या मेल जो आई होंगी वो मिल जाएगी, उसी में देखिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो NVS के ही साइट से एक हमें मेल आती है जिसमें उन्होंने हमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर और हमें पासवर्ड प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उस पर जाके जाइएगा और फिर अपना आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि नोट सेपरेट एडमिट कार्ड सेल बी इशूड थ्रू पोस्ट, आपके पास कोई पोस्ट से नहीं आने वाला है कि पोस्ट से आपके पास एडमिट कार्ड आ रहा, आपको ई एडमिट कार्ड ही होगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने और भी लिखा है, नॉन रिसिप्ट ऑफ ई एडमिट कार्ड इफ एनी इन ई एडमिट कार्ड शुड बी रिपोर्टेड टू NVS टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आपको उस पर कोई भी रिलेटेड दिक्कत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है,
आपके नाम में कोई मिसमैच है, आपके फादर में ए टू जेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो ये टोल फ्री नंबर जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है आप इसमें जाके कॉल कर सकते हैं, या उनकी जो ईमेल आईडी है nvsrect2019@gmail.com जो भी है, तो आप इस पर जाके मैसेज करिए, मेल करिएगा, तो वो आपको वहाँ से रिप्लाई करेंगे अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है आपके एडमिट कार्ड पे। तो देखिए इतना था जो हमारा जो मिसलेनियस पोस्ट के लिए जो हमारे कुछ थे, बाकियों के तो हो गए, मोस्ट ऑफ दी LDC का भी हो गया है, TGT PGT का भी, इनका भी हो गया है, तो इनकी आंसर की है वो भी आने वाली है। तो देखिए एक तो ये हो गया, उसके बाद मैं आपको इनकी बारे में बता देता हूँ कि आपको एग्जाम पे आना क्या क्या है। आपको पता होगा, आपने प्रिपरेशन कर रखी, पर मेरा मत है कि आपको पता चल जाए एक बार, अगर आपको बाय चांस नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो इन्होंने है उनका क्या है कि आपके पार्ट वन में रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जो कि हमारे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर की होगी, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस होगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के। हमारा पार्ट फोर जो आएगा वो डिफिकल्ट लेवल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपने सब्जेक्ट भरा होगा, आर्ट्स है तो आर्ट, जो भी म्यूजिक है तो म्यूजिक, तो उसका होगा वो आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ही हमारा टोटल मार्क्स होंगे। तो टोटल कितना हुआ 135, और आउट ऑफ 135 दैट मीन कि क्वेश्चन भी आपके 135 होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी 135 होंगे, जिसमें आपको वो लोग नंबर देंगे। और उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा है पार्ट पाँच में लिखा है लैंग्वेज जो आपने चूज कर रखी होगी, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आपने जो भी है आपकी, वो 15 मार्क्स की होगी ईच। तो दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 33 या दैट मीन 1/3 ऑफ द ईच लैंग्वेज, दैट मीन अगर 45 है तो 15-15 नंबर की आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और रीजनल लैंग्वेज होगी, तो आपको उसमें 5-5-5 सब में फाइंड करने, 1/3 सबके हम आपको नंबर होंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जरूर देखिए उन्होंने लिखा है पार्ट 1-4 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ ही और सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पार्ट 5th। अगर आपका पार्ट 5th में आप क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला सकते, मैं दैट्स मीन 1/3 सभी का, तो आपकी जो 1-4 तक का जो पार्ट था, जो दैट्स मीन 135 नंबर का जो था, वो हमारा पेपर चेक ही नहीं होगा। उन्होंने सीधे लिखा सबसे पहले आपका पार्ट 5 चेक होगा, अगर आपने पार्ट 5 क्लियर कर लिया 1/3 मार्क से, तो आपका जो ऊपर के जो सारे 135 का जो मेन हमारा जिससे हमारी मेरिट बननी है या जिससे हमारा सिलेक्शन होना है, वो तभी चेक होगा जब आप पार्ट 5th में क्वालिफाइंग दैट मीन 1/3 नंबर ला लेंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ, इन्होंने सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं दे रखी है, तो पूरा जो पेपर होगा वो 3 आवर्स का होगा, जितने भी हमारे 135 और हमारे लेट्स मीन 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने होंगे, और जो लास्ट के पार्ट फिफ्थ होगा वो आपका 45 नंबर का होगा, उसमें क्वालिफाई होगा 1/3 लाने होंगे। तो अगर आपका ये होता है तो आप तभी आपके ऊपर के वो कापियां चेक होंगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो NVS पे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आया था नोटिस, देखिए इम्पॉर्टेंट बहुत था, क्योंकि अगर आपने को नहीं पता था, क्योंकि बाकी सबके हो गए थे, मैं फिर से भी बोलूँगा NVS की जो थी इतनी फेमस नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी है अगर आपको मिल जाती है और आपने मेहनत की होगी तो आपकी नौकरी पक्की है इस बार, डोंट वरी, आप मेहनत करते रहिए, अभी आपके पास 10 दिन का टाइम होगा, तो आप मेहनत करिए और आपकी नौकरी पक्की है। तो इस वीडियो में इतना ही, NVS की सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।